कि जितने पूरे बैंक नहीं है ना मुंबई में, उससे ज्यादा में इसने अकाउंट खुलवा रखा है, जो आज मैं सारे बंद करवाऊंगा फालतू के अकाउंट, किसी में 2,000, किसी में 6,000, किसी में 5,000। ये क्यों खुलवाए थे अकाउंट तुमने? तो उन्होंने बहुत वो मांगी थी, रिक्वेस्ट की थी। तो बैंक वाले तो रिक्वेस्ट करते ही है घर आके, तो मेरा दिल पसीज जाता है ना। अब दौड़ो यहाँ से वहाँ हर बैंक में। डांटने की तो जरूरत नहीं थी इसमें। नहीं, बिल्कुल जरूरत है, यहाँ तो मारने की भी जरूरत है। मैं तो सिर्फ डांट से काम चला रहा हूँ। याद रखना, अगर तुमने मेरी बदकुचन करी ना लोगों से, तो मैं ढीठ हो जाऊंगी। अभी नहीं हो गया, अभी हो, लेकिन उससे ज्यादा हो जाऊंगी। ये लॉकडाउन में ये कुत्ता ज्यादा कुछ खा गया क्या? काफी ज्यादा खाया पिया लग रहा है। चलो चले मित्रवा, हम प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम। तो जी, हमें आज कम से कम 5 बैंक्स में जाना है, और पहले बैंक हम पहुंच चुके हैं। देखो कितने बैंक्स कवर कर पाते हैं, क्योंकि इन बैंक्स में कोई फोन उठाता नहीं है, गवर्नमेंट बैंक्स में। ऑनलाइन कई चीजें हो नहीं सकती जो हमें करवानी है, अकाउंट बंद कराना है वो ऑनलाइन हो नहीं सकता। कहाँ था तेरा? पार्किंग ही नहीं आ, तो वो गाड़ी निकल रही है वहाँ लगा दो। ये निकल रहा है कि लगा रहा है पता नहीं। तो हम लोग पहुंच गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी कैमरा गाड़ी में ही छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बैंक में तो अलाउड नहीं है। तो जी, फाइनली हमारा पहला काम हो गया है, एंड थैंक्स टू वन लवली सब्सक्राइबर। हमारी सब्सक्राइबर थी वो, और इतने प्यार से उन्होंने हमारा काम कर दिया, बड़ा अच्छा लगा, दिल को बड़ा सुकून मिला। लेकिन ऐसे अगर अभी भी सब्सक्राइबर मिलेंगे, पता चला मेरे किसी से झगड़ा हो गया तो क्या होगा? पहले झगड़ा हो गया, उसके बाद उन्होंने बोला जी मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, लेकिन अब मैं थी। इम्पल्सिव हूँ ना मैं, बहुत जल्दी मेरे रिएक्शन निकल जाते हैं ना। लेकिन शी वाज वेरी नाइस, हमने नाम नहीं पूछा ना उस नाइस लेडी का? नहीं, एंड शी वाज ब्यूटीफुल आल्सो। ये तो मैंने नहीं देखा। अरे मास्क नीचे किया हुआ था उन्होंने यार, पूरा चेहरा दिख रहा था, कितनी खूबसूरत थी। नहीं, अच्छा अच्छा, और क्या था, और क्या था बीबी बताना? और तो कुछ नहीं, ये खूबसूरती मेरे लिए तो कभी नहीं बोली। इसका मतलब मैं तुम्हें अब नहीं लगती हूँ खूबसूरत ना? बेबी देखो, तुम तो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तो बाकी लोगों की बात ज्यादा खूबसूरत मतलब बिल्कुल ही नहीं। आई विल शो यू इडियट। मैंने कम से कम तुम्हें इडियट तो नहीं बोला। इतना मास्क उतार क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ, भूल जा रहा हूँ मैं। हमें एक दूसरे से खतरा नहीं है, दुनिया से है। तो जी, हम पहुँच गए लोखंड वाला मार्केट और अपने दूसरे बैंक में। अब यहाँ पे एक काम करना है, उसके बाद फिर जाएंगे। दुकानें खुली हैं बेबी, दुकानें खुली हैं कुछ। देखो अच्छे नाइट सूट भी दिख रहे हैं। नाइट सूट तो बहुत सारे हैं तुम्हारे पास यार, काम खत्म करो ना पहले। काफी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है, ग्राहक दुकानों के बाहर है, खाली वॉक कर रहे हैं। तो जी, दूसरा वाला बैंक का काम भी खत्म हो गया, और इस बीच में हो गई सम्मानों को बहुत जोर से एसिडिटी। तो हमने रास्ते में खरीदा इनो पानी की बॉटल और कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस। अब रास्ते में बैठ के कहीं उसको इनो पिलाएंगे। तुमको नहीं चाहिए, तुमको भी लग रहा है, झूठ मत बोलो। मेरा नाम क्यों लगा रहे हो? अरे लेकिन तुमको बहुत ज्यादा हुई है ना? हाँ, मुझे ज्यादा ही हुई है, क्यों मालूम नहीं। मैं तो कोई कॉफी वॉफी कुछ भी नहीं पी है, पर अब पीनी भी नहीं है, सीधे शाम को पीनी है। ठीक है ठीक है। हाँ, तुम्हारी बाहर की कॉफी बंद। कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ से जाना था ना, भूल गई। लेकिन HDFC बैंक तो पीछे है। नहीं, ये वाला वो वाला नहीं। पहले तुम ये ले लो ना अपना, कहीं रोक के गाड़ी। हाँ, ले रही हूँ, रोक रही हूँ। ये रोक दिया मैंने, ये लो। पहले क्या पानी डालना है? बस बस बस, अभी तुम डालो और एकदम से डाल के पहले ग्लास पकड़ो। पानी डालू क्या? और 6 5 4 3 2 1 नहीं निकली। तुम्हें दूं? पहले तुम तो ठीक हो जाओ, तुम्हें दूं भाई बड़ी। बेबी टिश्यू दे रहा कोई? ये लो और चाहिए? पानी चाहिए। बोतल है बगल में, पी लो पानी। बेबी ये कैसी इनो थी कि वॉमिटिंग हो गई? मैंने तुम्हें बोला ना मेरे को हो रहा है, तुम मान नहीं रहे थे। अरे ये क्या लगा हुआ है? मैंने तुम्हें बोला था मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें लगा ऐसे ही बोल रही हो? नहीं, मुझे पता था हो रही है, लेकिन इतनी वॉमिटिंग हो जाएगी ये नहीं मुझे पता था। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था ना, लेकिन तुमने मेरा मजाक बनाया ना था इस बात पे। मैंने मजाक बनाया? मैंने ही तो बोला जाके दवाई लो फटाफट। व्हाई डिड आई वॉमिट? नहीं, हजम हुआ होगा, कुछ गलत खा लिया होगा। मैंने तो कुछ घर का खाना खाया, यहाँ पे जल रहा है पूरा अभी, और रात को तो खाना खा नहीं रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ये कहीं ब्रेड एक्सपायर तो नहीं हो गई है? और तुम एक साथ खरीद के रख भी लेती हो ना। तुम एक और मुझे ना वो दो, इनो दे दो। तो जी, मैं आपको बता दूं कि मैं साइड पे आ गई हूँ, और अब अविनाश ड्राइव कर रहा है। बहुत वॉमिटिंग्स हुई है मुझे, कैमरे में तो बहुत कम आया है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हुई है। तो अब हमने प्लान किया है कि हम लोग बाकी के काम जो है बैंक के, वो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, घर वापस जा रहे हैं। क्या बेबी? क्या बेबी क्या, काम की वजह से तो नहीं हुआ ये कि काम सुन के हो गया? अरे इतनी जगह लेके जा रहा है मेरे को बैंक के, फालतू काम करवा रहा है, इससे अच्छा तो वॉमिटिंग कर दो। और मुंह में उंगली डाल के वॉमिट कर दिया चुपके से। बदतमीज हो तुम हैं? लेकिन मौसम तो अच्छा हो रहा है, घर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। देखो मैं इतना मारूंगा ना।
ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है जाते जाते कॉफी मिल जाए। नहीं मेरी थोड़ा सा गर्म इधर तरलाहट हो जाएगी। तरलाहट कॉफी से नहीं होती, तरलाहट होती है जूस से। जूस नहीं पीना। क्यों? नहीं मीठा नहीं पीना। पिला रहे हो कॉफी थोड़ी? नहीं। पक्का है? पक्का। तुम्हें जरा भी रहम नहीं है मेरे पर? नहीं। सामने एक लेडी अपनी बिल्ली को लेके जा रही है केज में, डॉक्टर के पास जा रही होगी ना। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट देयर, अब जाके घर पे पहले पियूंगी मैं चाय। इधर ना वो जल रहा है तेज, तो उसको चाय पियोगे? नहीं क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ से ना कुछ, यहाँ पे कुछ अटका हुआ है अविनाश। तो चाय से निकल जाएगा वो। क्या करूँ? पहले चल के वो पियो नींबू पानी। चलो चलो बाहर नहीं जाना, अंदर जाना, अंदर जाना।